कि क्या क्या प्लान है जो कि हमारे चैनल के द्वारा ऑफर किया जा रहा है रिटेल बैंकिंग के लिए। दोस्तों देखिए, प्लान ये है जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के अंदर थ्योरी है, एमसीक्यूज है। थ्योरी में आपको बता दूं दोस्तों, हैंड रिटन है। यदि आप हैंड रिटन समझ सकते हैं तभी आप इसे ऑप्ट करें। और एमसीक्यूज फुल्ली टाइप्ड है, एमसीक्यूज जितने भी हैं सब के सब टाइप्ड है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और प्लस टेलीग्राम का एमसीक्यू डिस्कशन है और प्लस वीडियोज़ हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, पीडीएफ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेलीग्राम एमसीक्यू डिस्कशन और वीडियोस। तो दोस्तों ये आपको ₹300 में मिलेगा, ये चारों प्लान। यदि प्लान बी की बात करें तो प्लान बी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा और प्लस वीडियोस मिल जाएगा। तो इसमें आपको दोस्तों कॉस्ट पड़ेगा ₹250 का। यदि हम प्लान सी की बात करें दोस्तों, तो प्लान सी में केवल और पीडीएफ मिलेगा और थ्योरी एमसीक्यूज का, ठीक है, और प्लस वीडियोस आपको मिल जाएगा। सो प्लान सी विल कॉस्ट ₹199। और दोस्तों प्लान डी की बात करें, जिनको केवल 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में प्रिपेयर होना है, और 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में दोस्तों मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, तो आपको यदि वो प्रिपेरेशन करनी है तो ₹89 आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, 8292857381। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर इन चारों प्लानों के बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं और कैसे ऑप्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों ये 4 प्लान मैंने आपको बताए, इसमें दोस्तों मैंने नया चीज़ ऐड किया है वो टेलीग्राम एमसीक्यू डिस्कशन। इसमें दोस्तों 6 दिन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा दोस्तों उसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो दोस्तों इसके अलावा नमस्कार दोस्तों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का हमारे GIB एंड CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने रिटेल बैंकिंग की टॉपिक को। तो आज शुरुआत सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग पे। तो दोस्तों इस लेसन में आप लोगों को मैं थ्योरी पोर्शन पहले कवर करूंगा और थ्योरी पोर्शन के बाद मैं आप लोगों के लिए 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। यानी कि हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी थ्योरी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उस पे बेसिस पे। तो अंतिम तक बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों को एकदम एक एक चीज़ याद हो जाएगी। क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो मैं आप लोगों को जो भी थ्योरी बताऊंगा उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे दो फायदा होगा, इससे आप पहला चीज़ को रिवाइज कर पाएंगे, दूसरा चीज़ आप ये जान पाएंगे कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन से बिंदुए महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले समझते हैं रिटेल बैंकिंग है क्या, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये एक बैंकिंग सर्विसेज है जो कि इंडिविजुअल कस्टमर्स के टुवार्ड है। मतलब यदि इंडिविजुअल कस्टमर को यदि बैंकिंग सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कहलाता है रिटेल बैंकिंग। ये एक ऐसा बैंकिंग है जिसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है किसके साथ, तो कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसमें, रिटेल बैंकिंग में। बैंकिंग सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर, अब देखिए कौन कौन सा सर्विस ऑफर होता है। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा है रिटेल लोन्स, तीसरा है रेमिटेंस सर्विस। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है दोस्तों जो कि बैंक डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करता है और उसे वो सर्विस ऑफर करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आप लोगों को दे दिया, सेविंग अकाउंट हो, रिटेल लोन्स हो या रेमिटेंस सर्विस हो। आइए दोस्तों हम लोग जरा प्रकाश डालें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल सर्विसेज पे, यानी कि रिटेल बैंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या गुण है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इट इज फोकस्ड टुवर्ड मास मार्केट सेगमेंट कवरिंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो दोस्तों ये इसका फोकस है, यानी रिटेल बैंकिंग का जो फोकस है वो है मास मार्केट सेगमेंट, यानी कि हमारा जो मार्केट में ज़्यादातर लोग हैं, जो लार्ज पॉपुलेशन इंडिविजुअल का कवर करता है वो हमारा कवर करता है रिटेल बैंकिंग। उसके बाद दोस्तों इट इज़ एक्सटेंडेड टू ए स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। हाँ, जो लघु उद्योग हैं और जो मीडियम साइज बिजनेस है, लार्ज साइज बिजनेस की बात नहीं हो रही दोस्तों, वो तो होलसेल वाला हो जाता है दोस्तों। यदि स्मॉल साइज हो या मीडियम साइज बिजनेस हो, उसके लिए रिटेल बैंकिंग का ही यूजफुल होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट रिस्क वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा ये जो सेगमेंट है, जो मार्केट है, वो बहुत ही बड़ा है। तो जो क्रेडिट रिस्क है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा क्रेडिट रिस्क कब होता है, जब बोरोवर ने लोन लिया और उसने लोन नहीं चुकाया, यानी कि लोन डिफॉल्ट हो गया, तो जो रिस्क होता है उसे हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं। हम लोगों ने BFA में डिटेल में डिस्कशन किया है इस पे। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि क्रेडिट रिस्क जो होता है वो वेल डाइवर्सिफाइड होता है दोस्तों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज लेस वोलेटिलिटी इन डिमांड। हाँ देखिए, डिमांड का जो है वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। वोलेटिलिटी को समझिए आप फ्लक्चुएशन से, यानी कि जो एक कस्टमर डिमांड करता है वही दूसरा भी डिमांड करता है, वही तीसरा भी डिमांड करता है। तो उसमें डिमांड में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही कम होता है दोस्तों। कस्टमर लॉयलिटी विल बी स्ट्रॉन्ग एंड कस्टमर डज नॉट चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफन। तो देखिए दोस्तों, कस्टमर का एक विश्वास होता है जो कि उस बैंक पे बैठ जाता है दोस्तों।
ठीक है, उस बैंक पे कस्टमर का विश्वास हो जाता है, और वो कस्टमर ऐसा नहीं कि आज इस बैंक में, कल उस बैंक में, परसों तीसरे किसी और बैंक में है, तो चूंकि वो लोयल हो जाता है एक पार्टिकुलर बैंक के प्रति, तो ये होता है रिटेल बैंकिंग का फायदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस किए, और ये 5ों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उपयोगिता को समझा रही है दोस्तों। अब जरा हम लोग देखते हैं कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग, यानी कि रिटेल बैंकिंग में कौन कौन सी कंस्ट्रेंट सामने आती है दोस्तों। सबसे पहला कंस्ट्रेंट है प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। हाँ देखिए, चूंकि क्लाइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी कभी हम लोगों को दिक्कतें आती हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों उनको मैनेज करने में। दूसरा पॉइंट है रिपीट इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट काउज कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए प्रोडक्ट का क्या होता है ना, नया नया इवोल्यूशन होता है, जैसे आज हमारा ये डेबिट कार्ड आया, कल उसका नया वर्जन आया, परसों उसका नया वर्जन आया, तो इसके कारण क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों। अब लोगों को लगता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एनी लॉस इन फेथ इन अ बैंक कैन काउज सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट रिजल्टिंग इन कोलैप्स ऑफ बैंक। हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब मान लीजिए जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों का भरोसा है उस बैंक पे, यदि वो किसी कारण उठ गया, ठीक है दोस्तों, तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारा रिटेल डिपॉजिट है वो सडनली आउटफ्लो हो जाएगा, और जिसके कारण जो है बैंक कोलैप्स हो सकता है। तो ये सब हमारे कुछ कंस्ट्रेंट है रिटेल बैंकिंग के। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए रिटेल बैंकिंग भारत में कब आया था ये समझते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है इंट्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। तो अंतिम तक बने रहिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। रिटेल बैंकिंग एज अ कॉन्सेप्ट इन इंडिया हैज बीन इनिशिएटेड बाय द PSBs, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है रिटेल बैंकिंग को भारत में लाने में। नर्चर्ड बाय फॉरेन बैंक्स इन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको नर्चर कौन कर रहा है, तो इसका देखभाल कर रहा है दोस्तों फॉरेन बैंक, और जो हमारा न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो, यानी कि तीनों का के कोलैबोरेशन से, कंट्रीब्यूशन से हमारा जो रिटेल बैंकिंग है वो भारत में प्रॉस्पर कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग फ्रॉम 2015 टू 2017। अब जरा हम लोग प्रकाश डालेंगे रिटेल बैंकिंग के परफॉर्मेंस पे। 2015 से 2017 ईस्वी में रिटेल बैंकिंग कैसे प्रोग्रेस किया, जो कि बुक में हमें 2015 से 2017 की डाटा दी गई है, इसीलिए मैंने यहाँ भी वही डाटा लिखा है। देखिए बैंक रिटेल लोन पोर्टफोलियो रजिस्टर डबल डिजिट ग्रोथ हाउसिंग लोन ग्रोथ। तो देखिए दोस्तों ये जो हाउसिंग लोन है वो भी तो एक रिटेल प्रोडक्ट ही तो है। तो देखा क्या गया कि 15 से 17 में जो हाउसिंग लोन था वो डबल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा है ये वाला सेगमेंट। और हाँ ATM का जो ज्योग्राफिकल रीच है वो बढ़ गया है, अब सभी लोगों के हाथों हाथों में ATM आ गया है दोस्तों। तो ये ज्योग्राफिकल रीच ऑफ ATM हैज आल्सो इंक्रीज। सो दीज टू पॉइंट क्लियरली इंडिकेट्स हाउ द रिटेल बैंकिंग हैज प्रॉस्पर इन द रिसेंट ईयर्स, राइट। ओके अब हम लोग जरा ये देखते हैं कि रिटेल बैंकिंग के सक्सेस के लिए क्या प्रीरिक्विजिट है, क्या क्या बेसिक चीज़ रिक्वायरमेंट है जिसके कारण हमारा रिटेल बैंकिंग सक्सेस होगा। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जो भी रिटेल प्रोडक्ट्स हैं उनका वो कंज्यूमर तक पहुंचने चाहिए, और इसको पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिलीवरी मैकेनिज्म चाहिए दोस्तों। तो वो एफिशिएंट होना चाहिए हमारे पास। सो दिस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट दैट वी शुड हैव एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। द सेकंड पॉइंट इज दैट प्राइसिंग, ऑब्वियसली प्राइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, तो दोस्तों वो प्राइस होना चाहिए कि अफोर्डेबल होना चाहिए सभी के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख दिया कोई उसे लेगा ही नहीं। तो हमें प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रिटेल बैंकिंग के सक्सेस में। तो तीसरा पॉइंट है स्कोरिंग मॉडल फॉर असेसिंग क्रेडिट वर्दनेस। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्रेडिट, जहाँ तक बात है क्रेडिट वाले रिटेल प्रोडक्ट्स की, तो ऑब्वियस सी बात है जिसे आप रिटेल लोन देंगे तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि वो जो कस्टमर है, ठीक है, उसका स्कोरिंग मॉडल क्या है। क्रेडिट स्कोर तो इसीलिए होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो क्रेडिट स्कोर का मेनली यही फंक्शन है कि मैं जिस कस्टमर को रिटेल लोन दे रहा हूँ वो क्या क्रेडिट वर्दी है। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जैसे कोई ऐसा एक ATM को डेवलप किया, अब जिसका पिन सबको पता चल जाए, तो वो क्या प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है, बिल्कुल नहीं। तो हमें ऐसा इंश्योर करना है, वी शुड इंश्योर दैट देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर इन्वायरमेंट। ओके सो दीज आर फोर प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग।
अब जरा हम लोग देखते हैं रिटेल बैंकिंग के चैलेंजेस को। दोस्तों ये टॉपिक ही हमारा इंट्रोडक्शन है, तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा, हम लोगों ने देखा कंस्ट्रेंट क्या क्या है, फिर हम लोगों ने देखा अभी देखा प्री रिक्विजिट क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंजेस है कस्टमर प्रोटेक्शन इन प्राइजिंग। हाँ दोस्तों, प्राइजिंग का रोल अभी मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो ये चैलेंज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट है वो कैसा प्राइस, कितना प्राइस रखा जाए ताकि कस्टमर को वो अफोर्डेबल हो और कस्टमर को वो सोच सके कि हाँ ये चीज़ इतना प्राइस में सही है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ KYC और AML इशू। बिल्कुल दोस्तों, KYC और AML, नो योर कस्टमर और AML का इशू को समझना। तीसरा है रिस्क को मैनेज करना। बिल्कुल सही, अब पता चला कि हमने एक रिटेल प्रोडक्ट, रिटेल लोन बनाया जिसमें क्या हुआ कि क्रेडिट रिस्क बढ़ता ही चला गया। तो दोस्तों ऐसा तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसलिए हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूइंग ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चार पॉइंट है। अब दोस्तों एक और टॉपिक है हमारा रोल विद इन बैंकिंग ऑपरेशन, जो कि यूनिट 2 है, उसके कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ताकि अभी जो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सब क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग सो इंटरेस्टिंग रेवलेशन अक्रॉस टाइप्स ऑफ बैंक, द मेथड अडॉप्टेड बाय बैंक वेरी अमंग द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। तो दोस्तों हमारे सामने रिटेल बैंकिंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और जो फॉरेन बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इन सभी मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं वो कौन कौन से मॉडल हमारे पास हैं। तो तीन मेन अप्रोच हैं। पहला अप्रोच है SBU अप्रोच, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। दूसरा अप्रोच है डिपार्टमेंटल अप्रोच, और तीसरा अप्रोच है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारा पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान। जहाँ तक बात है पब्लिक सेक्टर बैंक की भारत में, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उन्होंने डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट किया है। अभी हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल अप्रोच है क्या। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने कौन सा अप्रोच अडॉप्ट किया है, डिपार्टमेंटल अप्रोच। ठीक है, अपने रिटेल बिजनेस मॉडल में डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट किया है। जो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्लियर है और वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मेथड को अप्लाई करते हैं। अभी हम लोग तुरंत समझने वाले हैं कि ये SBU मेथड है क्या। तो दोस्तों दो चीज़ याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए डिपार्टमेंटल अप्रोच और न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए SBU अप्रोच। चलिए अब जरा हम लोग देखते हैं ये डिपार्टमेंटल अप्रोच है क्या। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इट सेग्रीग्रेट द फंक्शन ऑफ नेशन इनटू डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, हमारा डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग सेग्रीग्रेट कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा अकाउंटिंग का है, ये वाला पोर्शन हमारा मार्केटिंग का है, ये वाला पोर्शन हमारा फाइनेंसिंग का है, और ये पोर्शन हमारा प्लानिंग का है। तो हम लोगों ने सेपरेट कर लिया और अपना अपना डिपार्टमेंट उसका बैठ गया। तो डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट अप्रोच को अडॉप्ट किया है एज ए रिटेल बिजनेस, रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। तो हमारे पास तीन बिजनेस मॉडल हैं, SBU मॉडल, डिपार्टमेंटल मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन मॉडल है हमारे पास। तो उनमें से पब्लिक सेक्टर बैंक ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है, तो डिपार्टमेंटल मॉडल अडॉप्ट किया है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच की। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है स्मॉल बिजनेस अडॉप्ट करती है। अभी हम लोगों ने देखा SBU कौन अडॉप्ट करता है बताइए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल जो है वो अडॉप्ट करती है हमारी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है दोस्तों, या फॉरेन बैंक। लेकिन जो हमारा स्मॉल बैंक्स हैं, स्मॉल बिजनेस जो हैं, वो अडॉप्ट करती है इंटीग्रेटेड अप्रोच को। ये माना जाता है हैविंग अ यूनिफाइड बिजनेस वुड रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग जो हैं, बिजनेस जो हैं, वो मिलकर, वो यूनिफिकेशन होकर, यूनिफाई होकर, ठीक है, इससे क्या होगा बताइए, रिस्क कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, ऐसा मान लीजिए कि अलग अलग वो अलग अलग काम करें और साथ मिलकर काम करें, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ऑब्वियसली साथ मिलकर वाला, क्योंकि साथ मिलने में दो फायदा है। ये पहला फायदा है कि रिस्क कम होगा और दूसरा फायदा है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाता है हमारा। समझ सकते हैं दोस्तों इसका नाम क्यों रखा गया इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए डिपार्टमेंटल अप्रोच, फॉरेन बैंक यानी तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए हमारा SBU अप्रोच, और जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो दोस्तों आइए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिएगा तो रिटेल बैंकिंग के हर एक वीडियो में मैं आप लोग को MCQ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, इससे ये फायदा होगा आपने जो चीज़ अभी तक थ्योरी को पढ़ा उसे आप देख पाएंगे कि कितना वो सक्सेसफुल रहा। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिटेल बैंकिंग। ऑप्शन ए कर रहा है बैंकिंग टारगेटेड एट कॉर्पोरेट, ऑप्शन बी कर रहा है बैंकिंग फोकस्ड टुवर्ड वीकर क्लास सेगमेंट, ऑप्शन सी कर रहा है बैंकिंग डील्स विद इंडिविजुअल एंड लेंड देम मनी,
ऑप्शन डी कर रहा है बैंकिंग डील विद होलसेलर फॉर डिपॉजिट सोर्सेज, ऑप्शन ई कर रहा है बोथ एएनसी। अब बताइए दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है रिटेल बैंकिंग का एक ही उद्देश्य है कि वो पब्लिक से डील करता है। किसे डील करता है दोस्तों? इंडिविजुअल से डील करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग डील्स विद इंडिविजुअल एंड लेंड देम मनी। समझ सकते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मार्क द प्रॉब्लम इन रिटेल बैंकिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन रिटेल बैंकिंग का प्रॉब्लम है? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है मैनेजिंग द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड और रैपिड इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन बी कर रहा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लो वैल्यू ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी कर रहा है हायर डेलिक्वेंसी इन अनसेक्योर्ड रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसेवेबल, ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई कर रहा है बोथ ए एंड सी। अब बताइए दोस्तों ऑप्शन किससे हम लोग चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को हमें मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लो वैल्यू ट्रांजेक्शन। हमने देखा था प्राइसिंग के बारे में, याद कीजिए दोस्तों, प्राइसिंग में हमने देखा था प्राइसिंग में बहुत बड़ा चैलेंज होता है रिटेल बैंकिंग के लिए। तो दोस्तों कॉस्ट को हमें मिनिमम रखना है, ये हमें इंश्योर करना है। दूसरा है हायर डेलिक्वेंसी इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ये भी सही है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी के सभी प्रॉब्लम है हमारे रिटेल बैंकिंग में। तो आंसर है हमारा डी। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द रिटेल एसेट अंडर रिटेल बैंकिंग। तो इनमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग के अंदर हमारा रिटेल एसेट है? ऑप्शन ए हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ऑप्शन बी ऑटो लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट शेयर एंड डिवेंचर, ऑप्शन सी है ईसीएस लोन, ईएफटी लोन, कासा लोन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, ऑप्शन ई है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी। तो हाउसिंग लोन हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल हुआ, ऑटो लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, लोन अगेंस्ट शेयर एंड डिवेंचर्स हुआ, ये सभी के सभी हमारे रिटेल एसेट हैं। और कौन से रिटेल एसेट नहीं है? तो ईसीएस लोन हुआ, कासा लोन हुआ, तो ये सब बैंक लेती है दोस्तों, कंज्यूमर से तो मतलब है नहीं। कंज्यूमर क्या कासा लोन लेगी क्या, बताइए? तो दोस्तों ये हमारा ये सब ऑटो लोन, हाउसिंग लोन, ऑप्शन ए और बी के अंदर जितने भी लोन लिखे गए हैं ये सभी के सभी हमारे रिटेल एसेट के अंदर आते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट कंस्ट्रेंड इन रिटेल बैंकिंग। ध्यान से पढ़िए, नॉट वर्ड लिखा गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरेटिकल पार्ट में, याद कीजिए दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग को। तो यहाँ पूछा गया है कि विच इज नॉट अ कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट इन अब्सेंस ऑफ रोबस्ट आईटी सिस्टम, ऑप्शन बी है रैपिड इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन सी है मैनेजिंग एटीएम सेंटर विद लो कॉस्ट, ऑप्शन डी है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन एंड क्रेडिट एंड रिसेबल अमाउंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो एटीएम सेंटर को मैनेज करना कम दाम पे, ये हमारा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। और कंस्ट्रेंट क्या क्या है? तो क्लाइंट को मैनेज करना लार्ज नंबर में, फिर इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज हम लोगों ने देखा था, फिर अनसिक्योर्ड रिटेल लोन, क्रेडिट एंड रिसेबल अमाउंट, क्योंकि वो लोन तो हमारा अनसिक्योर्ड रहता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग इन इंडिया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इनमें से कौन सा बिजनेस मॉडल है रिटेल बैंकिंग इंडिया में? ऑप्शन ए स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, SBU अप्रोच, बी है डिपार्टमेंटल अप्रोच, सी है इंटीग्रेटेड अप्रोच, डी है एनी ऑफ द अबव, ई है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था ये तीनों के तीनों अप्रोच होते हैं, ए भी होते हैं, SBU भी होते हैं, डिपार्टमेंटल भी होते हैं और इंटीग्रेटेड भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रिटेल बैंकिंग विच बिजनेस मॉडल इज अडॉप्टेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा रिटेल मॉडल को अडॉप्ट करती है? ऑप्शन ए SBU, ऑप्शन बी डिपार्टमेंटल, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड, ऑप्शन डी मैनेजमेंट बाय अप्रोच MBO। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं वो डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट करती हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, विच बिजनेस मॉडल इन रिटेल बैंकिंग इज अडॉप्टेड बाय न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो नई जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से रिटेल मॉडल को अडॉप्ट करती है? ऑप्शन ए है SBU अप्रोच, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंटल अप्रोच, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑप्शन डी है MBO अप्रोच। तो दोस्तों न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से मेथड को अडॉप्ट करती है? वो है हमारा SBU अप्रोच को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द लायबिलिटी प्रोडक्ट ऑफर टू रिटेल बैंकिंग कस्टमर। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लायबिलिटी प्रोडक्ट होता है जो कि रिटेल बैंकिंग कस्टमर को मिलता है? ऑप्शन को देखिए, ए है सेविंग अकाउंट, बी है करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, सी है हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड, इजी पेमेंट, डी है बोथ ए एंड बी और ई है ऑल ए टू ई। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। ये जो हमारा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, ये सब हमारे लायबिलिटी है। ऑब्वियस बात है, बैंक के लिए डिपॉजिट तो लायबिलिटी होती है ना, और एसेट क्या होती है? तो एसेट होती है लोन्स। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसमें सारे के सारे लोन्स लिखे गए हैं और वो हमारे बैंक के लिए एसेट्स होते हैं, लेकिन ए और बी के अंदर जो ऑप्शन है वो क्या है हमारे लिए? लायबिलिटीज है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे है हमारा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन बैंकिंग इज मेनली ड्रिवन ऑन बेसिस ऑफ। तो प्राइसिंग जो करते हैं हम लोग किसी प्रोडक्ट का, उनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ऑप्शन को देखिए, ए कर रहा है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, बी कर रहा है रेगुलेटरी एडवाइसेस फ्रॉम आरबीआई, सी कर रहा है स्ट्रक्चर्ड स्टेप ऑफ प्राइसिंग प्रैक्टिस, और डी कर रहा है बोथ ए एंड बी। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस किया जाएगा उस वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो क्या एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट पे निर्भर करेगा, या आरबीआई का जो रेगुलेटरी एडवाइस उस पर निर्भर करेगा, या जो हमारा प्राइसिंग प्रैक्टिस का जो स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स है, हमारा जो स्टेप बना हुआ है उस पर निर्भर करेगा? ये ऑप्शन डी कर रहा है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट मेरा एक मैंने एक चैप्टर बना रखा है, मेरा एक सेशन बना हुआ है बीएफए में, आपने पढ़ा होगा एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट को, ठीक है दोस्तों। तो उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा आरबीआई का रेगुलरिटी एडवाइस को पे डिपेंड करेगा। तब इस बेसिस पे इन दोनों बातों पे हमारा प्राइस किया जाता है किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का। चलिए, टू विच टाइप ऑफ बैंकिंग वी गेट हायर रिटर्न्स, लेसर रिस्क, चीपर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, इम्पैक्ट ऑफ एनपीए लेसर, एंड लो टिकट साइज ऑफ लोन्स, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, बी2बी बैंकिंग एंड कॉरपोरेट बैंकिंग। तो बताइए दोस्तों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया चाहे रिस्क कम हो, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, इसीलिए रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न ज़्यादा होता है क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर को ये प्रोडक्ट मिला होता है, फिर हमारा डिपॉजिट कॉस्ट कम होता है, ठीक है दोस्तों, फिर एनपीए होने का चांस कम होता है। तो ये सभी का सभी किसका एडवांटेज है, ये सभी के सभी एडवांटेजेस हमारे रिटेल बैंकिंग के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिटेल बैंकिंग। दोस्तों यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ मिलेगा, और इस तरह के सभी चैप्टर का जो कि मैं कवर करूंगा रिटेल बैंकिंग के अंदर, या एबीएम के अंदर, या बीएफएम के अंदर, आपको उसका पीडीएफ मिलता रहेगा रेगुलर इंटरवल पे। आइए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आई होगी। तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे जीआईवी एनसीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हमारे रिटेल बैंकिंग का यूनिट नंबर 2, जो कि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 दोनों कवर करेंगे इस टॉपिक में। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें वही पॉइंट समझना है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी हमें बुक को लेंथी नहीं बनाना है, हमें शॉर्ट नोट्स को कम समय में ज़्यादा आउटपुट के लिए हमें पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यूनिट 2 में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको ऑलरेडी पहले लेसन में डिस्कस किए थे, यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो कृपया कर जाके देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम लोग आज यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी कवर करेंगे। तो एमसीक्यू मैं लास्ट में करवाऊंगा, आज जो भी मैं थ्योरी पोर्शन करवाऊंगा उस पे बेस्ड मैं एमसीक्यू करवाऊंगा दोस्तों। तो मेरे इस लेक्चर का आपको यही फायदा होगा कि आप जो भी चीज़ सीखेंगे उसका प्रैक्टिस आप यहीं कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, और चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहला चीज़ हमें समझना है बिजनेस मॉडल को। तो क्या कहा गया है कि बैंक के स्ट्रक्चर दे रिटेल बैंकिंग मॉडल ऑन पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए, बैंक जो है अपना रिटेल बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका जो मॉडल है दोस्तों, वो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रक्चर करती है। जैसे देखिए, हमारे पास है कुछ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक, ठीक है, कुछ हमारे हैं न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक, और कुछ है हमारे फॉरेन बैंक। तो दोस्तों ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक का जो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म है वो क्लियर है हमारा, वो बेस्ड है ओवरऑल बिजनेस प्लान पे। तो ओल्ड जनरेशन का प्राइवेट बैंक का जो प्लान है वो किसके बेसिस पे है, वो बेस्ड है हमारा ओवरऑल बिजनेस प्लान पे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक की। जो नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका क्लियर विजन है अबाउट देयर पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी का पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म क्या क्या है। तो ओल्ड जनरेशन का हम लोगों ने देखा कि उनका पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म है ओवरऑल बिजनेस प्लान पे। न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक का जो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म है, टू बी टॉप स्लॉट अक्रॉस ऑल क्लास ऑफ बैंक, यानी वो टॉप स्लॉट में रहना चाहते हैं सभी बैंकों में से। और जो फॉरेन बैंक्स हैं वो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म से नहीं जाते, बट प्योरली ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, मैंने न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 हमारा टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट और ऑब्लिक होलसेल बैंकिंग। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रिटेल बैंकिंग का क्या एप्लीकेबिलिटी है, कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग समझेंगे कि रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग के कॉन्सेप्ट से। देखिए दोस्तों, हमारे सामने कुछ मॉडल है। सबसे पहला मॉडल है इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। तो दोस्तों बैंक क्या करती है, अडॉप्ट करती है डिफरेंट मॉडल्स को,
ठीक है, अपने बैंकिंग इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए बैंक क्या करती है, कुछ कुछ मॉडल को अडॉप्ट करती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा मॉडल है। पहला है एंड टू एंड आउटसोर्सिंग मॉडल, दूसरा है प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग मॉडल, तीसरा है पार्शियल आउटसोर्सिंग मॉडल, और चौथा है टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द PSB यूज्ड ओनली इन हाउस रिसोर्स फॉर रिटेल बैंकिंग। ध्यान से समझिए दोस्तों, मैक्सिमम से मैक्सिमम PSB जो हैं वो इन हाउस रिसोर्स को ही यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग के लिए। आउटसोर्सिंग इज डन ओनली फॉर सम एक्टिविटीज लाइक ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। हाँ दोस्तों, कुछ कुछ एक्टिविटीज के लिए आउटसोर्सिंग किया जाता है, जैसे ATM में हुआ, आपका डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ। आपको पता होगा कि हमारे जो डेबिट कार्ड होता है, यदि वो रुपए है तो वो भारत का है, वो इन हाउस है, और यदि वो वीजा का है, मास्टर कार्ड है, तो वो विदेश से आता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की, ठीक है दोस्तों। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक भी जो है वो भी ऑल्सो द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट थ्रू द इन हाउस रिसोर्स ओनली। तो देखिए दोस्तों, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर की बैंक के बारे में क्या लिखा गया है, उनका भी एक्टिविटी जो है वो भी एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं किसके थ्रू, इन हाउस रिसोर्स ओनली, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो PSB है वो भी मैक्सिमम काम इन हाउस से करता है, लेकिन कुछ कुछ काम वो आउटसोर्स से भी करता है, और जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी इन हाउस ही करते हैं। जहाँ तक न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात है, तो उनका जो मॉडल है वो बैलेंस मिक्सचर है, आउटसोर्सिंग भी वो करते हैं और इन हाउस सोर्स भी है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फॉरेन बैंक की। तो फॉरेन बैंक का जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है वो मोस्टली आउटसोर्स है। तो फॉरेन बैंक का ध्यान रखिएगा क्या है, आउटसोर्स है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये सब है आप लोगों का, हम लोगों ने बिजनेस मॉडल इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस मॉडल देख लिया। अब हम लोग जरा बिजनेस प्लान स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिए बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर इन रिटेल बैंकिंग। तो सबसे पहला जो बिजनेस प्लान मॉडल है वो है हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल। ये क्या है दोस्तों, ये एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो देखिए, बैंक का अपना अपना प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट को हम लेते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोसेस है, तीसरे प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोसेस है, तो इसे कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, ठीक है दोस्तों। जैसे ATM कार्ड हुआ, उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस है, जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस है, लोन हुआ उसके लिए अलग प्रोसेस है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। अब दोस्तों बात करते हैं वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सेंट्रलाइज कस्टमर डाटाबेस होता है यूज्ड अक्रॉस द प्रोडक्ट। देखिए, एक सेंट्रलाइज कस्टमर डाटाबेस मतलब डाटाबेस हमारा सेंटर में रहता है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो अलाइंग रहता है दोस्तों, तो ये होता है हमारा वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। ध्यान रखिएगा इसमें कीवर्ड क्या है हमारा, कीवर्ड है सेंट्रलाइज कस्टमर डाटाबेस। अब दोस्तों तीसरा जो हमारा मॉडल है वो है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बेसिकली प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है दोस्तों, विद कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन समान होती है, समझ रहे हैं दोस्तों, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो ये ध्यान रखिएगा कैसा ओरिएंटेड रहता है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की। तो यहाँ देखिए क्या है दोस्तों, कॉमन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है किस चीज़ के लिए, सभी प्रोडक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार रिकॉल कर ले, हॉरिजेंटल में क्या कीवर्ड है, हॉरिजेंटल में कीवर्ड है डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, वर्टिकल में क्या कीवर्ड है, सेंट्रलाइज कस्टमर डाटाबेस, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल में क्या कीवर्ड है, कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन, और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल में क्या कीवर्ड है, कॉमन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने चार मॉडल डिस्कस किया, अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा बैंक कैसा मॉडल अडॉप्ट करता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं PSB की। तो PSB में ध्यान रखिएगा हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल स्टैंडर्ड नॉर्म है, यानी कि PSB के पास डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे और हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना प्रोसेस होगा उसको अवेल करने का, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में यही सिनेरियो मिक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है दोस्तों, ये सिनेरियो कैसा है, मिक्स फॉर्म में है। जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल को फॉलो करते हैं, उनके पास एक सेंट्रलाइज डाटा बेस होता है और वो उसके अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग टाइप भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझिए। PSB के लिए कौन सा है दोस्तों, PSB के लिए है हमारा हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए कौन सा है, तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। फॉरेन बैंक के लिए कौन सा है, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो सबसे इफेक्टिव जो है वो है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, और वो फॉरेन बैंक क्या करती है, वो फॉरेन बैंक के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिर से रिकॉल करूँ, PSB के लिए हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल,
न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल और फॉरेन बैंक के लिए प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। आइए दोस्तों, अब हम लोग जरा बिजनेस अप्रोच को देखते हैं। सभी पॉइंट्स हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ हर एक टॉपिक का मिलता रहेगा। आइए दोस्तों बिजनेस अप्रोच को देखते हैं रिटेल बैंकिंग में। तो बिजनेस स्ट्रेटजी जो हमारा है वो क्या क्या है। पहला है सेगमेंटेड अप्रोच। इसमें क्या होता है, ब्रांचेज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बिजनेस पोटेंशियल विथ रिगार्ड्स टू रिटेल स्पेस एंड बिजनेस टारगेटेड इन द सेगमेंट ऑफ ब्रांचेज वनली विथ फोकस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो देखिए ब्रांच को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है कि उसका क्या पोटेंशियल है। वो मतलब जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर क्षेत्र है वहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका पोटेंशियल, उसका क्षमता है ज़्यादा बिजनेस होने का, तो उस बेसिस पे ब्रांच की क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है कि मेन है इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे फोकस किया जाता है। तो ये है हमारा सेगमेंटेड अप्रोच। उसके बाद दोस्तों है हमारा दूसरा ज्योग्राफिकल बेस्ड अप्रोच। तो ऑब्वियस ही बात है, डिटेल मॉड्यूल आर बिल्ट बेस्ड ऑन ज्योग्राफीज। तो कैसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके बेसिस पे मॉडल्स को बिल्ड किया जाता है। तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारी रणनीति क्या होती है, स्ट्रेटजीज आर डिजाइंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ब्रांच दैट इज रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन एंड मेट्रो। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि यदि क्या ब्रांच हमारा किस जगह पे लोकेटेड है, क्या वो अर्बन एरिया में है या वो रूरल एरिया में है या वो सेमी अर्बन एरिया में है, और जैसा जहाँ लोकेशन है उसी हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन अप्रोच आप लोग याद रखेंगे, पहला है सेगमेंटेड अप्रोच, दूसरा है ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, और तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। आइए अब जरा हम लोग प्रोडक्ट मॉडल को देखते हैं रिटेल बैंकिंग में। तो दोस्तों आपके पास कौन कौन सा रिटेल प्रोडक्ट होता है, एक कॉमन रिटेल प्रोडक्ट को एक बार देख लेते हैं। डिपॉजिट में होता है आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर आपका टर्म डिपॉजिट अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, लायबिलिटी प्रोडक्ट, रिटेल एसेट प्रोडक्ट, और उसके बाद कुछ अदर, हाउसिंग लोन हुआ, कंज्यूमर लोन हुआ, ये सभी के सभी हमारे रिटेल प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए कुछ अदर प्रोडक्ट सर्विस में हम लोग क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, डेबिट कार्ड ले सकते हैं, एटीएम कार्ड ले सकते हैं, और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकता है दोस्तों, लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन रिटेल बैंकिंग, यानी किसी प्रोडक्ट का कैसे डेवलपमेंट होता है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अटेम्प्टेड, तो दोस्तों सभी के सभी पीएसबी में यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है वो इन हाउस होता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज डन इन हाउस इंडिपेंडेंटली। अब जरा प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों, मान ली यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग कैसे किया जाएगा। तो बैंक के डेवलप मॉडल फॉर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे बैंक डिसाइड करती है कि प्राइसिंग किसी प्रोडक्ट का क्या रखा जाए। वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं, मार्केट डायनेमिक्स, रिस्क परसेप्शन, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, पोजीशन। ठीक है दोस्तों, इन पीएसबी प्राइसिंग इज मार्केट ड्रिवन इन ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स, प्राइसिंग इज अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ बैंक। तो दोस्तों कीवर्ड याद रखिए, प्राइसिंग करने के लिए बैंक कौन सा मेथड फॉलो करती है, वो है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ बैंक। चलिए दोस्तों अब जरा टेक्नोलॉजिकल मॉडल को देख लेते हैं। द टेक्नोलॉजी मॉडल अडॉप्टेड बाय बैंक आर इन आर, देखिए कौन कौन सा है, इन हाउस मॉडल, आउटसोर्स मॉडल, पार्शियली इन हाउस एंड पार्शियली आउटसोर्स। फिर मैं बता दूं, इन हाउस मॉडल, आउटसोर्स मॉडल, पार्शियली इन हाउस एंड पार्शियली आउटसोर्स। तो जितने भी पीएसयू हैं वो इन हाउस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, पार्शियल आउटसोर्सिंग भी होता है उसमें, मैंने बताया था एटीएम हुआ, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, ये सब पार्शियल आउटसोर्स है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑलमोस्ट ऑल जितने भी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आउटसोर्स मॉडल को फॉलो करते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों अपने इस टॉपिक का सबसे लास्ट चैप्टर पे, इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। आइए सबसे पहला पॉइंट है रिटेल बैंकिंग का, टारगेटेड इंडिविजुअल सेगमेंट। तो रिटेल बैंकिंग में हमारा जो इंडिविजुअल सेगमेंट है वो टारगेटेड है। कॉर्पोरेट में क्या है, डील विद कॉर्पोरेट क्लाइंट। दूसरा पॉइंट है मास मार्केट बैंकिंग मॉडल। और दोस्तों कॉर्पोरेट में क्या है, क्लाइंट बेस सिमिलर। ठीक है दोस्तों, क्लाइंट बेस स्माइलर। उसके बाद है दोस्तों रिटेल बैंकिंग हमारा बिजनेस टू कस्टमर है, और कॉर्पोरेट बैंकिंग हमारा बिजनेस टू बिजनेस है। चौथा है हमारा टिकट साइज स्लो इन रिटेल बैंकिंग, और टिकट साइज हाई होता है हमारा कॉर्पोरेट बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग में रिस्क जो है वाइड स्प्रेड है, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेसन में, और कॉर्पोरेट बैंकिंग में रिस्क ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि टिकट साइज क्या है, ज़्यादा है। रिटेल बैंकिंग में रिटर्न ज़्यादा होता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में रिटर्न कम होता है। रिटेल बैंकिंग का मॉनिटरिंग और रिकवरिंग जो है वो ज़्यादा लेबोरियस है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हमें ह्यूज कस्टमर सेगमेंट को डील करना पड़ता है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग का मॉनिटरिंग और रिकवरी जो है वो लेस लेबोरियस है।
और दोस्तों सबसे अंतिम पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज लेस। तो रिटेल बैंकिंग में डिपॉजिट कॉस्ट कम है और कॉरपोरेट बैंकिंग में डिपॉजिट कॉस्ट ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, हम लोगों ने जो इस चैप्टर से डिस्कस करने थे वो डिस्कस कर लिए। अब आइए बात आती है अब नेक्स्ट सेगमेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो जो भी चीज़ हम लोगों ने अभी तक सीखा उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि हम लोगों ने रिकॉल कर पाते हैं या नहीं। मित्रों तो ये सेगमेंट है हमारा MCQs का, MCQ ऑफ रिटेल बैंकिंग यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश रिटेल बैंकिंग विद कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड स्टेज विच इज रियल विच इज रिटेल बैंकिंग। तो ऑप्शन ए है इंडिविजुअल सेगमेंट, मास मार्केट, बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच। बी है होलसेल्स क्लाइंट, स्मॉल सेगमेंट, बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच। सी है हाई टिकट साइज, हाई रिस्क, लो रिटर्न, मॉनिटरिंग लेस लेबोरियस, हाई डिपॉजिट कॉस्ट। और डी है बोथ BNC। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग के बारे में पूछा गया है कौन सा सही है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों कॉर्पोरेट और रिटेल में अंतर। बताइए तो टिकट साइज हाई किसमें होता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियसली बात है हाई टिकट साइज होता है हमारा कॉर्पोरेट बैंकिंग में, तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत है। फिर हमें होलसेल क्लाइंट से नहीं डील करना होता है रिटेल बैंकिंग में, तो बी तो ऐसे ही गलत है। लेकिन हाँ, रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल सेगमेंट होता है, मास मार्केट होता है, B2C कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी। B2B अप्रोच किसमें होता है, तो वो होता है कॉर्पोरेट बैंकिंग में। B2C अप्रोच किसमें होता है, तो वो होता है रिटेल बैंकिंग में। ठीक है दोस्तों, तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंप्लीमेंटेशन मॉडल बैंक अडॉप्ट इन रिटेल बैंकिंग प्रोसेस। ए हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, बी वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, सी प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, डी प्रीडोमिनेटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, ई एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा था ये चारों के चारों इंप्लीमेंटेशन मॉडल बैंक अडॉप्ट करती है, प्राइवेट बैंक कुछ और करती है, फॉरेन बैंक कुछ और करती है, हम लोगों ने अभी देखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एनी ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग इज अडॉप्टेड अंडर स्टैंडर्ड नॉर्म्स बाय PSB इन इंडिया। तो PSB कौन सा मॉडल को अडॉप्ट करती है। ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज, बी है वर्टिकली ऑर्गेनाइज, सी है प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज और डी है प्रीडोमिनेटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज। तो अभी हम लोगों ने देखा था PSB हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल को अडॉप्ट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों इस MCQ का सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है। ए कर रहा है लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग सेलेक्शन, बी कर रहा है चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, सी कर रहा है कस्टमर डिक्लाइन फेल्स टू पे, डी कर रहा है प्रोसेसिंग फेलियर एंड फ्रॉड। तो दोस्तों क्रेडिट रिस्क का मतलब है ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि कस्टमर डिक्लाइन और फेल्स टू पे। तो जब कस्टमर जब डिक्लाइन कर दे, पे पेमेंट नहीं दे, तो वो क्या कहलाता है हमारा, क्रेडिट रिस्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक द रिटेल बैंकिंग मॉडल इज बैलेंस मिक्स ऑफ ए आउटसोर्सिंग, बी इन हाउस सोर्स, सी वनली ए, डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक में जो है जो बिजनेस मॉडल होता है वो मिक्स का बैलेंस मिक्सचर होता है, तो वो आउटसोर्सिंग का भी होता है और इन हाउस रिसोर्स का भी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, इन केस ऑफ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक द रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज आर कैरीड आउट थ्रू डैश वनली। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में कैसा किस मेथड के थ्रू रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज होता है। ऑप्शन ए है इन हाउस रिसोर्स, ऑप्शन बी है आउटसोर्सिंग, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ए, ऑब्वियसली बात है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन हाउस रिसोर्स को ही यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल इज डैश स्ट्रक्चर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोडक्ट वाइज। ऑप्शन ए है मॉड्यूलर, ऑप्शन बी है सर्कुलर, ऑप्शन सी है कन्वेंशनल, ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल जो होता है वो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल प्रोवाइड डैश अक्रॉस प्रोडक्ट्स विद कस्टमर डाटाबेस ओरिएंटेशन एंड सेंट्रलाइज कस्टमर डाटाबेस इज यूज्ड अक्रॉस प्रोडक्ट। ए है ट्रांसपेरेंसी, बी है फंक्शनैलिटी, सी है डुप्लीकेसी और डी है नन। तो दोस्तों वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या प्रोवाइड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फंक्शनैलिटी। इट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट विद कस्टमर डाटाबेस ओरिएंटेशन। तो एक डाटाबेस होता है कस्टमर का और फिर उसके अक्रॉस ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है हमें। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल इज डैश विथ कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट। ए है मार्केट ओरिएंटेड, बी है कस्टमर ओरिएंटेड, सी है प्रोडक्ट ओरिएंटेड और डी है नन। तो प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल जो है दोस्तों हमारा वो मार्केट ओरिएंटेड है, सॉरी वो हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल कैसा ओरिएंटेड है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है।
तो फ्रेंड्स इस एमसीक्यू का ये भी फायदा है कि चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग? सेगमेंटेड, बी कर रहा है ज्योग्राफी बेस्ड, सी कर रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड, डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने देखा ही है कि जो बिजनेस अप्रोच है हमारा, ये चारों के चारों, ये तीनों के तीनों हमारे बिजनेस अप्रोच हैं। सेगमेंटेड भी होता है, ज्योग्राफी बेस्ड भी होता है और क्लासिफिकेशन बेस्ड भी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर कवर्ड अंडर प्रोडक्ट मॉडल? प्रोडक्ट मॉडल के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स कवर होते हैं? ए है लायबिलिटी प्रोडक्ट, बी है रिटेल एसेट प्रोडक्ट, सी है अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों रिलायबिलिटी प्रोडक्ट क्या हुआ बैंक का बताइए, जो जितना भी डिपॉजिट्स हुआ, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और आपका टर्म डिपॉजिट अकाउंट। एसेट प्रोडक्ट क्या हुआ, जितने भी लोन अकाउंट होते हैं। और अदर में हम लोगों ने देखा था कुछ LICs, ये सब हमारे अदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडल बेस्ड बेसिकली अडॉप्टेड बाय बैंक? अभी हम लोगों ने पढ़ा था टेक्नोलॉजी मॉडल जो बैंक अडॉप्ट करती है उनमें से कौन सा इसका पार्ट है। ए है इनहाउस मॉडल, बी है आउटसोर्स मॉडल, सी है पार्शियली इनहाउस एंड पार्शियली आउटसोर्स मॉडल, डी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर है दोस्तों हमारा, करेक्ट आंसर है डी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, हम लोगों ने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया। दोस्तों यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको PDF मिलता रहेगा। इसी तरह चैनल के साथ बने रहें, लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों से इसे शेयर करें। धन्यवाद।